आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का सातवां दिन है और दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पहलवान हैं वो धरने पर डटे हुए हैं। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अब इनको राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जो खाप पंचायतें हैं और या किसान संगठन हैं, महिलाओं की बात करें तो अलग अलग संगठनों के इनके समर्थन जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने अब जिस तरीके से यहाँ पर जंतर मंतर पर अभी आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो सात दिन पहले जब इस धरने की शुरुआत हुई थी तो इन पहलवानों की मांग थी कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उसके ऊपर FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद जो है अब इनके ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है दिल्ली पुलिस ने दो FIR दर्ज जो है वो की है, एक पास्को एक्ट के मुताबिक और दूसरी जो है जो 6 खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे उसके मुताबिक जो है वो दर्ज किया है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन कहा जाता है कि पास्को एक्ट के मुताबिक जब किसी पर FIR जो है वो दर्ज हो जाती है तो उसको पहले गिरफ्तार करना होता है और बाद में जाँच होती है, लेकिन इसमें अब दिल्ली पुलिस जाँच करेगी। और बात करें दूसरी पार्टियों के समर्थन की तो जो आम आदमी पार्टी है उसके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहले ही अपना समर्थन दे चुके हैं। वहीं अगर बात करें उसके बाद जो है कांग्रेस के जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अपना समर्थन दे चुके हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर अपना किसी इनको पहलवानों को समर्थन दे चुके हैं। वहीं अगर सुबह की बात करें तो कांग्रेस की जो नेता है महासचिव प्रियंका गांधी वो भी अपना समर्थन जो है वो इन लोगों को आकर दे चुकी हैं। वहीं उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी जो है वो लगाए हैं, लेकिन बात करें जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है और कहा जा रहा है कि 4 बजे जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल वो भी इनके समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया उसके बाद जो है FIR दर्ज हुई और दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह को कब गिरफ्तार करती है ये देखना होगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।